तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग। जी गाइस, अगर आपको याद नहीं पिछले एपिसोड में हुआ क्या था तो मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। भाई पिछले एपिसोड में भाई जिसको बचाया था अपने दोस्त को, भाई उन्हें बहुत बुरे बंदों ने जिन्हें बहुत से गेट में फंसा दिया था भाई गंदे तरीके से, उसको बचाते हैं भाई। वो हमारे घर आ जाते हैं और भाई कहते हैं मेरे को तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करते हैं, कॉफी कैफे मिलते हैं वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो हम चले जाते हैं भाई उसकी बात मान के। तो वो कहते हैं भाई तुम मेरे साथ अलाई कर लो, क्योंकि मुझे एक कहते हैं डंजन गेट कीपर बनना, मतलब डंजन का बॉस बनना जो डंजन लेता है। तो भाई वो कहता है मिनिमम 20 गेट मेरे को पार करने पड़ते हैं डंजन के, तो जो ई रैंक के होते हैं कम से कम 20 गेट पार करूंगा जब जाके मेरे को लाइसेंस मिलेगा अपनी गिल्ड मास्टर खोलने का। तो कहता है जिनू भाई मेरे को क्या फायदा, भाई मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं 20 गेट पार एक ही बार में पकड़ा दूंगा पार, पर मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या मिलेगा। वो कहता है भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा या फिर बिल्डिंग दूंगा, तुम भी अपनी गिल्ड मास्टर खोल सकते हो एक अलग से, तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ऐसी कुछ ऑफर रखता है जिनू के सामने, मतलब हमारे सामने। तो हम मान लेते हैं भाई हाँ चल भाई ठीक है हम कर देंगे तेरा काम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है। पर एक प्रॉब्लम होती है भाई, जो हमारी इंस्टेंट गेट की थी हमें रिवार्ड मिलती है भाई, उसमें एक होता है कर्स बॉक्स जो हमें नहीं चाहिए, उस बॉक्स में से वही निकलेगा जो हमें नहीं चाहिए। और कहता है कहते हैं ब्लेसिंग बॉक्स जिसमें हमें कुछ वो जो कुछ चाहिए होता है वो मिलेगा। तो हम ब्लेसिंग बॉक्स को चूज कर लेते हैं भाई, उसमें से हमें डंजन की मिलती है और वो डंजन की ऐसी वैसी नहीं होती, वो हेल डंजन की होती है हेल। तो हमें हेल में जाने के लिए उससे पहले गेट कीपर से लड़ना पड़ता है। तो आज हमारी फाइट उससे ही होने वाली है भाई। वो गेट पिकर भाई बहुत ही खतरनाक है, कसम से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और भाई हम जाते हैं डंजन गेट खोलते हैं भाई, सारा कुछ आग लगी होती है एरिया भाई हमारी, फट गया ऐसे हो जाती है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ आग क्यों लग रही है फटाफट से। तो भाई जाते हैं हम अंदर, देखते हैं भाई तीन मोस्टर वाला मोस्टर भाई, तीन जिसके तीन सर होते हैं भाई हमारी ऐसे से होते भाई, हम कहते जीत पाएंगे क्या नहीं। पर तुम्हारा भाई थोड़ा दिमाग लगा लड़ता है भाई अपनी, कहते हैं टाइम भी होता है इसमें 2 मिनट की टाइमिंग होती है, 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे डंजन गेट को मारना है। तुम्हारा भाई सेकंड आ जाते हैं, 5-6 सेकंड आ जाते तब जाके ये डंजन बॉस किल होता है भाई। और ये डंजन बॉस की फाइट देखो यार, आप आराम से फाइट देखो, बैठ के पोकन पोकन ले लो क्योंकि फाइट में होने वाला बहुत मजा भाई। मैं कभी इधर से बच के इधर जाता हूँ, कभी उधर से बच के इधर जाता हूँ और मैं इसकी हेड में मारता हूँ भाई। ये ना बहुत ही खतरनाक, कभी पूरे एरिया में आग लगा देता है भाई, कभी पूरे एरिया में मुँह मारेगा फेंक के, कभी तीन मुँह से आग फेंकेगा फेंक के, कभी पत्थर, कभी पता नहीं भाई कौन कौन से अटैक करना। भाई इसका लेवल बहुत हाई था भाई, इसका रेड नाम मारता है हेल गेट कीपर। इसको हराने के बाद ही हम कहते हैं हेल में एंटर कर सकते हैं, जहाँ का हमारा लेवल 100 से भी पार जाएगा, क्योंकि भाई हेल के गेट कीपर के पास ना भाई बहुत पावर होती है, समझ रहे भाई। गेट कीपर है भाई हेल का, हल्के में ले रहे हो क्या भाई उसे। तो भाई बहुत खतरनाक इसके पास पावर्स होते हैं जिससे हमारी लड़ाई होती है। और भाई तुम्हें पता है लड़ाई में तुम्हारा भाई हारता नहीं कभी भी, तो इसे मारेगा बहुत गलत तरीके से पर टाइम लगेगा, पर मारेगा जरूर। तो भाई ये ना बहुत अजीब अजीब से अटैक कर रहा था, मैंने इसे अटैक तो नोटिस करा और भाई मैं एंड टाइम पर डोज करके इसी स्किल मारता था, मेरी डोज करने की स्किल है जो कि मेरे को डोज करने के बाद ही मिलती है। तो मैं एंड टाइम पर डोज करता और इसे भाई वो स्किल मारता गंदे तरीके से। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा था यार, इतना मैं फाइट कर रहा हूँ फटाफट से जाके सब्सक्राइब को बना रहा, जाके दबा दो भाई यार, 5 मिनट लगने यार, 5 सेकंड लगने यार, दबा दो जाके फटाफट से, क्योंकि हमें 1K की फैमिली कंप्लीट करनी है। 400 से ज्यादा रैंक है, जल्दी फटाफट से कराओ, फटाफट से फटाफट से मैं मोस्टर मारता हूँ थोड़ा। You think I'm going to miss? An opening! Become someone's avatar through this system. I'll swallow the system whole.
तो ऑलराइट गाइस, मैंने जो ग्रेड की प्रगत उसको हरा दिया भाई। ये तीन स्तर वाला मोशन बहुत दिमाग खा रहा था, मैंने फटाफट से इसे हरा दिया, इसे मतलब खत्म कर दिया इसका काम। तो जिन्हू कहता है भाई मेरी हेल्थ इतनी नहीं है जाके मैं गेट कीपर के अंदर जाऊं, क्योंकि भाई गेट कीपर को हराने में इसके ऐसे हो गया, मतलब हमारी जो आधी ज़्यादा पावर खत्म हो चुकी है। तो जिन्हू कहता है इस टाइम मैं रेस्ट पर जाता हूँ, बाद में आ सकता हूँ गेट में दोबारा, क्योंकि मेरे पास टेलीपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्हू यहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।